तो गुरु, हम जानते हैं कि आपके सीबीएसई के एग्जाम नजदीक आ गए हैं, कुछ ही दिन बचे हैं केमिस्ट्री के एग्जाम के, और इसीलिए आपको हो रही होगी थोड़ी चिंता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़े क्या नहीं। तो सबसे पहले बता दें आपको कि केमिस्ट्री में जो सबसे जो मार्क्स जो स्कोरिंग चैप्टर है वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में मात्र 3 चैप्टर है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। और इस 3 चैप्टर में आपको फिजिकल केमिस्ट्री से अराउंड 23 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वेटेज आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑर्गेनिक में पूरी मेहनत करोगे 29 मार्क्स है लगभग 5 चैप्टर्स में, ठीक है ना। उसके बाद भी उसमें बेसिक क्वेश्चंस कुछ रहेंगे 11th क्लास के भी। इनऑर्गेनिक में आपके 2 चैप्टर्स है, वहां से भी लगभग आपको 18 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। वेटेज तो वहां पर भी है गुरु, लेकिन यहां पर बात क्या है कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ इजियर टॉपिक है, ठीक है ना। ये तीनों टॉपिक की अगर बात करेंगे तो बहुत ही इजियर है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप लोग पहले से मान लो चैप्टर आपने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, तो आप लोग कैसे इसको रिवाइज करोगे कि पूरी चैप्टर आपको दिमाग में रहे, और कौन कौन से खास न्यूमेरिकल्स है जो न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने चाहिए ताकि वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ध्यान से दीजिएगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है एकदम हूबहू भी छाप दिए जाते हैं सीबीएसई के पेपर में, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं आज पहले अपने सॉल्यूशंस चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो थ्योरी आपका जरूरी है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आपके पास समय है तो किसी का 1 घंटे का वन शॉट आप लोग देख लोगे, ठीक है। वैसे अगर मान लो थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको जानने हैं तो इसके लिए आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपको थ्योरी के भी वीडियोस बना देंगे। आज का वीडियो फिलहाल है क्या, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के कैसे मैक्सिमम जो मार्क्स है वो अचीव करें, क्योंकि न्यूमेरिकल का वेटेज भी ज्यादा होता है। तो सबसे पहली बात है यहां पर, हाँ ना, थ्योरी और न्यूमेरिकल में मतलब न्यूमेरिकल का भी वेटेज कुछ ना कुछ है, यानी कि 60-40 का रेशियो है, चलता है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के लिए। तो न्यूमेरिकल्स में मान लो 40% का रेशियोज है, लेकिन उससे भी तो मार्क्स आ रहे हैं ना। तो आपको करने क्या है, थ्योरी तो आपका कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है, थ्योरी आपका होना चाहिए। अब थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप हमको कमेंट करोगे तो आपको वो भी बता देंगे हम, ठीक है। एनसीईआरटी के देखो एग्जाम्पल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से आए ना आए एग्जाम्पल का हूबहू सवाल नीट तक में पूछ दिया जाता है। तो सीबीएसई भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को ज्यादा प्रीफर करता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना, क्योंकि देखो पूरे 12th में तुम्हारे पास पूरी केमिस्ट्री में ये 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है। तो ये बहुत ही आसान भी होता है लोगों के लिए कि इतना बड़ा थ्योरी हम याद करेंगे, ग्राफ याद करेंगे, उसको हम लिखेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी में, उससे अच्छा होता है, इजी होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ जाओ, दिमाग शांत, आंसर मिल गया, दिमाग शांत हो जाता है, हो जाता है ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स अगर थोड़ा सा कर लोगे तो फ्री के मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पूरी प्रीफर कर रहे हैं कि आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल जितने भी चैप्टर में वो कंप्लीट करोगे, इन टेक्स्ट को छोड़ो, ठीक है, इन टेक्स्ट चलता है, अगर टाइम बचेगा बाद में तो मैनेज करते रहना, बट एक्सरसाइज के ये कुछ सवाल दिए गए हम 1.4 से। अगर आपके लेसन में आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो यहां 2.4 समझना आप लोग, 1.4 से 1.8, 1.13 से 1.21, 1.31 से 31 है, 32 है, 35, 39, 40, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आपको पूरे सॉल्यूशंस चैप्टर में अगर कर लेंगे आप लोग तो आप लोग का जो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग एश्योर्ड हो जाओगे कि न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, ठीक है। नंबर्स उल्टे पुल्टे हो सकते हैं लेकिन जो है सवाल जो है उसी टाइप का एकदम रहेगा 100%, ठीक है ना। आप लोग यहां से कर लोगे डेफिनेटली मिलेगा आपको पूरा मार्क्स यहां से मिल जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा, थोड़े बहुत ग्राफ होते हैं, ग्राफ को अगर इसमें चलो ग्राफ को गोली मारते हैं, ग्राफ जो है इसमें साइड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरी वैसे बहुत छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल अगर हम तुम देखोगे इसमें कंटेंट कम है बट हाँ कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो कंटेंट आप लोग इसका थ्योरी का आप लोग समझ लोगे अच्छे से, ठीक है। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है ये अगर जानना है तो आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स इसका भी कर लेना, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल्स कर लेना, जो सॉल्व एग्जाम्पल है अंदर में वो कर लेना, इन टेक्स्ट करो ना करो, ठीक है। एक्सरसाइज के ये सवाल है 2.5, आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो 3.5 चेक करोगे, 2.5, 2.6, 8, 9, 11, 12, 16, ये जो है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो आपका जो है इसमें भी आपका मार्क्स एकदम एश्योर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, सिक्योर्ड एकदम मार्क्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 की बात करें या ओल्ड के मुताबिक चैप्टर 4 की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स आती है, जिसमें कि आपको यहाँ पर थ्योरी, ग्राफ और डेरिवेशन, ये 3 चीज आपको बुक से पहले पढ़ने हैं। आई होप आप लोग पहले पढ़े होंगे, आपके पास नोट्स होगा, मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो उसको अवेलेबल कराइए और उन चीज का पहले नॉलेज लीजिए, थ्योरी, ग्राफ और डेरिवेशन।
हर चैप्टर को ऐसे सेट किए हम कि आपका जो 2 घंटे का टाइम लेगा, 2 घंटे में आप जो है आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो, थ्योरी नहीं पढ़े तो 1 घंटा इसमें जोड़ दो, और 3 घंटे का आप लोग तैयारी करोगे। 10 चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में, 30 घंटे आपसे चाहिए हमें, वो आप लोग बचे हुए ये लगभग जो 6-7 दिन में आप लोग कर लो कंप्लीट, चाहे जैसे भी करो लेकिन करने तो है आपको। ऑर्गेनिक का कहानी अलग है, ऑर्गेनिक में आपको हम सिंपल शॉर्ट बताएंगे, एकदम उसी तरह से आपको आना चाहिए। ऑर्गेनिक में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भर साल आपने खूब पढ़ा, बहुत सारी तैयारी कर ली ऑर्गेनिक की, अब लास्ट के 5-6 दिन में ऑर्गेनिक में कुछ खास तुम बदलाव अपने अंदर में ला नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये कैसे, क्यों क्यों हमेशा बोल रहे हैं तो ये हम अगली वीडियो में ऑर्गेनिक की वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए ऑर्गेनिक के लिए ये बात नहीं कर रहे हम, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं। तो थ्योरी, ग्राफ और डेरिवेशंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके भी एनसीईआरटी एग्जांपल जरूर कर लेना, और एक्सरसाइज में ये सवाल है 3.2, 8, 10, 12, 15, 17 एंड 23 से 27, ठीक है ना। ये भी आपका ऑलमोस्ट 3 घंटे का ये पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 9 घंटे में आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, चाहो तो 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन इतना स्ट्रेस लेना नहीं है, 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। पूरी साल तो पढ़े होंगे, पूरी साल नहीं पढ़े हो तो भाई ये 3 चैप्टर जो है आप लोग 9 घंटे समय बिता करके भी देखोगे तो शायद उतनी खास बदलाव नहीं आ पाए। अब जो पूरी साल नहीं ही पढ़े हैं उसके लिए हम क्या कहें, हम तो ऐसे कोई द्रोणाचार्य नहीं है जो बैठे और 1 सेकंड में ज्ञान ट्रांसफर हो गया, वो तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना इतना श्योर है कि आप लोग अगर इससे करोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव आपको इंपैक्ट मिलेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस बनेगा और डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे करके आओगे। तो यहाँ से आप लोग लगभग 23 मार्क्स अपॉन 70 आप लोग आपका सिक्योर्ड रहेगा, याद रखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री आपका सिक्योर्ड रहेगा। बाद बाकी आपकी तैयारी कैसी होती है वो आप पर भी निर्भर करता है, ठीक है। बाद बाकी हम तो बस गाइडलाइनर है, अपना क्या है, फकीर है, ठीक है। तो कभी जो है अगर अच्छा लगा, अच्छा ये लगा हो, टिप्स अच्छा लगा हो, या आपकी कोई राय हो, आपके पास भी कोई अगर इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ लगे इस बात में कि नहीं सर एक पॉइंट ऐसा भी था जो छूट गया है, तो कमेंट में आप लोग लिख दें, हम कमेंट को पिन कर देंगे ताकि उससे आपकी जानकारी दूसरों को भी पसंद आए, दूसरे उससे भी बेनिफिट्स ले पाए, ठीक है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें, मिलते हैं अगले वीडियो में।